हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ आंवले की लौंजी, यानी कि आंवले की खट्टी मीठी चटनी। उसके लिए मैंने आंवले को धो लिया है और अब मैं इसको उबाल लूँगी। आंवलों को मैंने बॉईल कर लिया है, ये अच्छे से बॉईल हो गए। अब मैं इनके पाकियाँ निकाल के और इसको मैं स्मैश कर लूँगी। बहुत ज़्यादा एकदम महीन स्मैश नहीं करूँगी। मैंने यहाँ पे जो है आंवले को थोड़ा सा स्मैश कर लिया है और मैं इसमें बघार में डालूँगी सौंफ और कलौंजी। आप चाहे तो थोड़ा हींग भी इसमें डाल सकते हैं। और मसाले मैंने सारे ले लिए हैं, इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, काला नमक, भुना जीरा और गरम मसाला, ये मैं इसमें ऊपर से डालूंगी। और मैंने एक कटोरा जो है गुड़ भी ले लिया, क्योंकि मैं इसको गुड़ से बनाऊंगी। मेरा तेल गरम हो गया है, मैं इसमें ये डाल दूंगी और इसको थोड़ा सा हिला के, जलनी नहीं चाहिए ये। और ये जो मैंने आंवला रखा है इसको मैं इसके अंदर पलट दूंगी। आंवला को मैंने मिक्स कर दिया है मसाले के साथ, अब मैं इसमें डाल दूंगी गुड़। आंवले के पानी में से, ये गुड़ से भी पानी निकलेगा, आंवले में भी पानी है, ये इसमें मेल्ट हो जाएगा। गुड़ हमारा मेल्ट होने लगा है, अब मैं इसमें ऊपर से ये सारे मसाले डाल दूंगी। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, आंवले की चटनी जो है कभी भी जो है आपके लोहे की कढ़ाई या एल्युमिनियम की कढ़ाई में ना बनाएं, इसको नॉन स्टिक पे ही बनाएं। आप देख सकते हैं हमारी लौंजी ऑलमोस्ट बनके तैयार है।